जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू तो एज ऑल ऑफ यू माइट बी वर आर एक्सपेक्टिंग और नॉट एक्सपेक्टिंग वट एवर इट इज कॉल फॉर मेन्स यू माइट बी शॉक्ड कि भई एकदम पी ने निकाल दिया है कि भाई अप्रैल फर्स्ट वीक में हम पेपर लेंगे तो खैर अभी चीज़ें आनी बाकी हैं लेटेस्ट सही वी आर नॉट वेरी मच होपफुल कि मतलब अभी सिंसियरली फील कि पेपर आगे टाइम ज़्यादा बच्चों को देना चाहिए है ना तो लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू कीप ऑन प्रिपेयरिंग पता कुछ लगता नहीं है ना रिजल्ट आने के बाद देखते हैं कितना टाइम मिलता है लेकिन दिस इज द लेक्चर इन सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर में डिस्कशन जो हम कर रहे हैं अभी तक हम इकोनमी का पॉलिटिक का और हम हिस्ट्री का और पंजाबी का ये चार हम लेक्चर कर चुके हैं डिस्कशन ऑफ द प्रीवियस ईयर मेन्स पेपर तो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग सोशल इश्यूज़ पार्ट विच इज़ पार्ट ऑफ जी एस पेपर वन है ना और इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एरिया अगर हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखें तो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एरिया और इस एरिया के अंदर तैयारी बहुत अच्छे से चाहिए बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच है लेटस स्टार्ट विद इट एंड लेटस सी कि किस तरह से क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर सकते हैं है ना पेपर में और किस तरह की तैयारी आपको एक्चुअल में चाहिए बिकॉज वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तो आपको एक स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी कि हाँ मुझे किस तरह से तैयारी चाहिए ओरिएंटेशन प्रिपरेशन की क्या चाहिए सो दैट आई एम एबल टू अटेम्प्ट द पेपर मैं पेपर को अटेम्प्ट कर सकूँ ठीक है so तो लेट अस सी इसमें 2018 में देखिए आठ क्वेश्चन इस सेक्शन से आए हुए हैं आठ क्वेश्चन विच इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग एट क्वेश्चन दिस पार्ट इट्स वॉज द हाइस्ट इन द होल जी एस पेपर वन और दो हज़ार पंद्रह में पाँच क्वेश्चन आए हैं और दो हज़ार तेरह में छः क्वेश्चन आए हैं तो इट एवरी ईयर द वेटेज इज़ सिग्निफिकेंट तो सोशल इशू ऐसा पार्ट है जिसको आप पेपर वन के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते इग्नोर करना और अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं और बड़े अच्छे इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं पी पी एस सी द्वारा तो लेटेस सी कि क्या दो हज़ार अठारह में पेपर में क्वेश्चन आया मैं आपको मोटी सी एक लिस्ट बनवा देता हूँ पहले कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के ऊपर है फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी इसमें आ गई है ना और जो फीचर हैं इंडियन सोसाइटी के लाइक कास्ट जॉइंट फैमिली ये सब इसमें आ गए फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पे न सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया है जेंडर इशूज़ वुमेन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन तो जेंडर पे एक आधा क्वेश्चन दो क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं पक्का जेंडर पर ठीक है ना और थर्ड एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है एजुकेशन एजुकेशन पे भी एक क्वेश्चन दो तीन बार क्वेश्चन आया हुआ है तो एजुकेशन एक एरिया है इन तीन एरियाज़ के अलावा चौथा एरिया बनता है आपका अर्बनाइजेशन इस पर क्वेश्चन आया है ठीक है ना फिफ्थ पावर्टी पे क्वेश्चन पावर्टी माल न्यूट्रिशन डिप्रीवेशन इसको थीम को रख के दो, दो बार दो तीन बार क्वेश्चन पूछा गया है, है ना और इसके अलावा जो छवा एरिया है आपका वो है बनता एथिक्स एंड वैल्यूज़ का रिमेंबर वन थिंग पी के अंदर जो ये सोशल इशूज़ का सिलेबस है थोड़ा डिफरेंट है इसमें जो आपके यू में पेपर फोर में एथिक्स का सेक्शन है उसका कुछ पार्ट एथिक्स एंड वैल्यूज़ के कंसेप्ट उन्होंने सोशल इशूज़ में डाले हुए हैं पेपर वन में तो उस पर भी दो तीन क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक है और एक इसमें एरिया बस रह गया आपका ग्लोबलाइजेशन 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 पे भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछ लेते हैं ग्लोबलाइजेशन तो आपकी कुछ, कितने एरिया बन गई ये फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बन गया जेंडर इश्यूज बन गया एजुकेशन ग्लोबलाइजेशन अर्बनाइजेशन पावर्टी एंड एथिक्स एंड वैल्यूज ये आपके टोटल आठ टॉपिक्स बन गए इस सोशल इशूज़ में आप देखेंगे कि क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन इन्हीं से आए हुए हैं ठीक है लेट अस टेक द टू पेपर तो पहला क्वेश्चन देखिए पूछा बड़ा सिंपल क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबलाइजेशन वर्सेस रीजनलिज्म ग्लोबलाइजेशन वर्सेस रीजनलिज्म है ना ऑल्दो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजिकल uh, कंट्रोवर्सी है ग्लोबलाइजेशन वर्सेस रीजनलिज्म चलो इतना पी में हम ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होते रिगार्डिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स फिर भी कंपैरेटिवली तो वट इट इज लेकिन आसान है क्वेश्चन कि रीजनलिज्म इज़ अ लोकल टेंडेंसी है ना सेंट्री पीटल है ग्लोबलाइजेशन इज सेंट्री फ्यूगल रीजनलिज्मन यू डिस्प्ले अ सेंट्री पीटल टेंडेंसी टूवर्ड्स द लोकल एंड ग्लोबलाइजेशन इज सेंट्री फूगल वैन यू आर गोइंग आउट है ना बाउंड्रीज ब्रेक कर रहे हो आप तो इसमें हम वही इट्स ए सिंपल क्वेश्चन डेफिनेशन दोगे दोनों की आप थोड़े से ट्रेंड लिखोगे इसमें कि ग्लोबलाइजेशन से क्या ट्रेंड हो रहे हैं सौ वर्ड में जितना कहा सकता है है ना कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है बढ़ रही है ये इंडस्ट्रलाइजेशन मीडिया ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इंटरनेट इनकी वजह से ग्लोबालाइशन बढ़ रही है और फिर रीजनलिज़म भी आ, दिख रही है कि ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ रीजनलिज्म भी बढ़ रही है लोग अपने रीजन के प्रति भी है उसमें आप पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीजम डेवलपमेंटल डिस्पैरिटीज पावर्टी एड फैक्टर्स हम तैयार करते ही ये टॉपिक ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है तो ये इसको मैं इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूँ इजी क्वेश्चन पूछा गया ठीक है सो सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉलोइंग इन इनकलकेटिंग फैमिली ह्यूमन वैल्यूज अमंग दी प्रेजेंट जनरेशन अगेन अ सिंपल क्वेश्चन लेकिन जनरल क्वेश्चन है देखो अब इसके लिए क्या तैयार करोगे आप बस टेक्निक आनी चाहिए पेपर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की अब पूछा है कि और हंड्रेड वर्ड्स का सिर्फ ये आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर है क्वेश्चन मार्क है तो या तो इसका आंसर यस होगा कि हाँ ये फेल कर रहे हैं ठीक है या इसका आंसर होगा नहीं नहीं फेल कर रहे तो हमें दोनों ही यस और नो में आंसर लिखना है कि यस ये फेल कर रहे हैं क्यों क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा मार्क्स के अचीवमेंट पे है या जो करिकुलम में हमारे जो हमारे सिस्टम में एग्जामिनेशन पैटर्न में या क्वालिटी ऑफ टीचिंग में टीचर्स की क्वालिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है जिससे ह्यूमन वैल्यूज़ पे स्ट्रेस कम हो जाती है और नहीं हम कर भी रहे हैं क्योंकि जो एथिकल टीचिंग है मॉरल वैल्यूज की टीचिंग है वो स्कूल करिकुलम में इनबिल्ट है तो बच्चा सीखता भी है है ना तो बस यही है इस पर इस पर कोई बहुत बहुत टेक्निकल आंसर बन नहीं सकता इसमें कुछ वैल्यूडेश्स किसी ने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है वो एक आधी कमेटी की रिकमेंडेशन दे, दे देगा कि ये कमेटी ने कहा था कि जो स्ट्रेस है वो जो मॉरल वैल्यूज़ पे होना चाहिए स्कूल्स में है ना कैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे की हो और वैल्यू ओरिएंटेड बच्चा बने तो इस तरह से लेकिन ये आसान क्वेश्चन बन जाएगा सौ वर्ड लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है लेकिन बात वही आएगी कि क्या आपने दोनों पक्ष लिखे हैं या आपने सिर्फ इसको आंसर नो no में दिया है या इसका आंसर हाथ ए एस में दिया है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन एथिकल डायलमस एंड डिसकस सम कॉमन एथिकल डायलमास दैट अराइज़ फ्राम दोज होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेस अब ये अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये है ना एथिकल डायलोमा क्या होता है कितने तरह का होता है ये हम क्लास में करते हैं नॉर्मली है ना और कॉमन एथिकल डायलमास क्या हैं एथिकल एथिक बेसिकली क्या है इट्स अ योर वे ऑफ कंडक्ट इट्स अ डिज़ायर्ड वे ऑफ कंडक्ट तो हमारे अपने कंडक्ट में डायलॉमास क्या आते हैं कि मैं क्या करूँ है ना तो so, uh, कि, किस तरह के कॉमन डायलिमास पब्लिक ऑफिसिस में आते हैं दिस डायलमास विद रिस्पेक्ट टू मे बी यूज़ ऑफ़ पब्लिक प्रॉपर्टी इट मे बी यूज़ ऑफ इट इज़ इन द कंटेक्सट ऑफ डिसीजन मेकिंग कि आप काम कर रहे हो आपके पास कोई सिफ़ारिश आ गई तो क्या करो आप फिर करप्शन के समबडी इज़ ऑफरिंग यू मनी तो आप लो या ना लो है ना या ऐसा कोई आपको पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है कि भाई आप ये काम करो और आप नहीं करना चाहते तो वो डायलमा आएगा कि मैं करूं या ना करूं तो इस तरह से आप जब यू वर्क एज अ पब्लिक ऑफिस इन इन अ पब्लिक ऑफिस यू फेस वेरियस एथिकल डाइलमास तो डिस्कस करना है उनको डिस्कस करने के का मतलब है कि आपको बताना है कि वट आर दिस डायलमास कॉमन डायलमास और डिस्कस करने के लिए बोला तो थोड़ा सा दो चार लाइन ये भी लिखोगे कि आप इन डायलिमास को रिजॉल्व कैसे करोगे चाहे पूछा नहीं है पर डिस्कस करने के लिए बोला है तो डिस्कस में ये भी लिखोगे कि आप इनको थोड़ा सा रिजॉल्व कैसे करोगे कोई बड़ी बात नहीं है कि ठीक है जी आई विल गो बाय जहाँ पे ऐसे डायलमास आएंगे आई विल रेफर टू दी रूल्स आल्सो कि भी मेरे सिविल सर्विस रूल्स क्या हैं फिर आई विल रेफर टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है ना देन अल्टीमेटली आई विल आल्सो रेफर टू माय मॉरल कंसाइंस कि मेरी अपनी कंसाइंस क्या है है ना तो इसलिए ये बस इंपॉर्टेंट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि वेल राइटिंग आंसर ठीक है आपने कॉन्टेंट पढ़ा या नहीं पढ़ा अगर इवन पढ़ा भी है तब भी कई बार बच्चे इनकम्प्लीट आंसर लिख के आते हैं अब पहले मेरे को डिफाइन करने हैं एथिकल डेलमर्स क्या होते हैं फिर मुझे बताना है कि वट आर एथिकल डेलमर्स और थर्ड मुझे ये भी बताना है कि कैसे मैं उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ तब ये आंसर आपका दो वर्ड का पूरा बनेगा तो तब नंबर पूरे आएंगे आपके ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज डाइवर्सिटी अंडर थ्रेट इन इंडिया अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो डाइवर्सिटी है इंडिया में वो अंडर थ्रेट है ठीक है ना तो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन आप बताओगे डाइवर्सिटी क्या है वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ कल्चर डाइवर्सिटीज है ना डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज़ आर देयर इन इन इंडिया ठीक है आपने सौ वर्ड का क्वेश्चन है पंद्रह बीस पच्चीस वर्ड में ये बता दिया कि डाइवर्सिटीज क्या है और ये थ्रेट में है क्या नहीं थ्रेट में क्यों है ऑल दीज डाइवर्सिटीज़ आर को एग्जिटिंग एंड वी हैव अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड अदर प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि लोग अपनी डाइवर्सिटीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें ठीक है ना लिख दिया ये कि नहीं हम पर, हम वी आर आ क्लोरलिस्ट कंट्री कि जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि पीपल डाइवर्स है और हम उनको ऑनर करते हैं बट एट द सेम टाइम ये थ्रेट में क्यों है बिकॉज ऑफ द थ्रस्ट ऑफ मीडिया जो ये इंटरनेट है मास मीडिया है है ना वेस्टर्न एजुकेशन है लाइफ है इससे हमारी डाइवर्सिटीज़ डल्यूट भी हो रही हैं तो एंड में थोड़ा सा ये हमने एक क्रिटिकल नोट दे दिया ठीक है तो ये आपका अच्छा आंसर बन जाएगा लेकिन आप देखो चारों आंसर्स में कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की स्कोप नहीं है आपको टेक्निक आनी चाहिए लिखना कैसे है नेक्स्ट अब एक और क्वेश्चन है ये तो हो चुका है नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग पावर्टी ब्रीड पावर्टी अब ये साइकिल ऑफ पावर्टी पे क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगेन है साइकिल ऑफ पावर्टी कि कैसे पावर्टी ब्रीड करती है पॉवर्टी पावर्टी से आपको एजुकेशन पुअर मिलेगी आपको हेल्थ आपको आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होनी हेल्थ नहीं है उससे क्या होगा उससे क्या होगा फिर आप वोरी रहोगे साइकिल ऑफ पॉवर्टी पे क्वेश्चन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन नॉट इवन वर्थ डिस्कसिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्रिटिकली एग्जामिन द कॉजे एंड कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ इंक्रीजिंग एट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉज कि लॉज इतने सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वुमेन के प्रति एट्रॉसिटीज जो हैं वो बढ़ रही हैं और हमें इसको क्या करना है क्रिटिकल एग्जामिन करना है किस चीज़ को करना है इसके कॉजेस को कि क्यों ऐसा हो रहा है कि डिस्पाइट लॉज हमारी जो है इंक्रीज uh, हो रही हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं है ना अब देखो दस में से नौ बच्चे ये क्वेश्चन ना गलत करके आएंगे अब दस में से नौ बच्चे क्या करेंगे कि ये लिख के आएंगे कि भाई वुमेन के प्रति एट्रॉसिटीज होती क्यों है ये नहीं पूछा उसने कॉज इस चीज़ का नहीं पूछा कॉज ये पूछा है कि डिस्पाइट लॉज फिर भी क्यों बढ़ रही है इंक्रीजिंग एट्रोसिटीज डिस्पाइट लॉज एट्रोसिटीज क्यों बढ़ रही है इसकी कॉज क्या हैं और डिस्पाइट लॉज एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं इसकी कॉन्सिक्वेंसिस क्या हैं इसको हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि एग्री जरूरी नहीं है कि आपने एग्री करना है स्टेटमेंट से इट इज नॉट नेसेसरी कि एट्रोसिटीज बढ़ी रही हैं आप ये भी कह सकते हो कि नहीं कम भी हुई हैं है ना तो अल्टीमेटली डिस्पाइट लॉस क्यों एट्रॉसिटीज बढ़ रही हैं कॉजेज और डिस्पाइट लॉस इस इन एट्रोसिटीज बढ़ने की कॉन्सिक्वेंसिस क्या है ये क्वेश्चन में लिखना है आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बस समझना ही मुश्किल है कि वो एग्जामिनर पूछ क्या रहा है आपसे है ना क्या एग्जामिनर पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बात है अब बताओ इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है के थोड़ा वैल्यूडेशन ये कर सकते हो आप लॉज बता सकते हो कि देखो जी वुमेन प्रोटेक्शन के लिए ये लॉज हैं वुमेन के राइट्स के लिए मेटर्निटी बेनिफिट फलाना दिमाग का दो चार लॉज के नाम लिख सकते हो कि ये सारे डोरी प्रोहिपशन है है ना प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट है इतने सारे लॉज हैं जो एट्रॉसिटीज़ को प्रिवेंट करते हैं लेकिन फिर भी अट्रॉसिटीज़ बढ़ रही हैं क्योंकि नाउ एंड देन वी कीप ऑन हरिंग हियरिंग की वुमेन हैज़ हैजबिन फिजिकलीसॉल असोल्टेड या उसमें सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है या ऐसा हो रहा है डिफरेंट हो रही चीज़ें हो रही हैं ना तो वो चीज़ क्यों बढ़ रही है डिस्पाइट डैट लॉ तो एक वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि लॉस की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि अभी भी पेट्रियार्कल सोसाइटी है अभी भी वुमेन की पार्टिस वर्क पार्टिसिपेशन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए वुमेन की एजुकेशन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए है ना और साथ में उतनी मतलब इस वजह से ये एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं लेकिन कम भी हुई हैं आप साथ में लिखो कम भी हुई हैं बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ बिन वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दैट लॉज बड़े स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं वुमेन सेल बने हैं वुमेन पुलिस स्टेशन बने हैं उससे कम भी हो रही है क्रिटिकली एग्जामिन करें तो आप बताना आपको कि ऐसे ऐसे स्टेप्स भी लिए गए हैं और इससे कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो रहे हैं एट्रोसिटीज़ बढ़ने से कि फियर बढ़ रहा है वुमेन के उसमें अंदर है ना तो एक तरह से साइकिल बन जाता है ये कि अगर एट्रॉसिटीज़ ज़्यादा है तो वुमेन उतनी बाहर नहीं आ पाती और फिर उतनी उसकी एजुकेशनल अटोनमेंट या ऑक्यूपेशनल अटेनमेंट कम होती है तो साइकिल की फॉर्म में ले लेता है लेकिन आने वाले टाइम में ये कम होगा और ये कम हो रहा है ऐसे लिखना है बस इसको नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम ऑफ अर्बन स्लम्स ये अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन है अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन लेकिन एनालाइज करने के लिए बोला है कि अर्बन स्लम्स की प्रॉब्लम क्या है तो आप डिफरेंट एंगल्स से एनालाइज़ करेंगे अर्बन स्लम्स के अंदर कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है अर्बन स्लम्स में क्राइम की प्रॉब्लम है है ना इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे हाउसिंग है सैनिटेशन है ड्रिंकिंग वाटर है फिर इंफ्रास्ट्र क्राइम हो गया फिर एजुकेशन किसलम्स के अंदर एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है तो ये इसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके एनालाइज़ करना है कि ये क्या प्रॉब्लम्स अर्बन स्लम्स में हैं और कितनी थोड़ी सी इसमें लिखोगे आप कि हाँ इसमें कहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है कहाँ थोड़ी सी कम है है ना एज़ कम्पेयर टू दी नॉन स्लम या अदर parts ऑफ द अर्बन areas। चलिए ये हो गया 2018 का क्वेश्चन देखिए मैं इस क्वेश्चन को पेपर को रेट करूँगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, वो आसान ही थे मुश्किल नहीं थे क्वेश्चन अटेम्पटेबल क्वेश्चन थे और आप कर सकते थे और जैसे अभी टाइम अगर कम मिलेगा आपको मेंस के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है हम आपको लेक्चर देंगे कुछ ना कुछ अब वी विल गाइड यू कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो अगर पॉवर्टी का क्वेश्चन आ गया तो इसको ऐसे अटैम्प्ट कर सकते हो आपको कुछ बेसिक हम चीजें बता देंगे पॉवर्टी पे और वैसे आप अटैम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन को अब देखिए 2015 में क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन पॉवर्टी पे एक्सप्लेन थ्री मेजर स्टेप्स थ्री मेजर स्टेप्स नेसेसरी फॉर द सोशल एम्पावरमेंट ऑफ पुअर एंड आउट सोशल एम्पावरमेंट करने के लिए तीन मेजर स्टेप्स क्या नेसेसरी है हाउ इज पॉलिटिक्स हिंडरिंग देयर इंप्लीमेंटेशन और क्या कैसे पॉलिटिक्स हिंडर कर रही है सोशल एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि मेकिंग द पुअर कैपेबल ऑफ इफेक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन सोसाइटी है ना कि वो अपनी हिस्सेदारी सोसाइटी में डाल सकें एम्पावरमेंट इसको हम कहेंगे सोशल एम्पावरमेंट है कि सोशली दे आर एम्पावर्ड मतलब इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी इन वेरियस स्फीयर्स उनके अंदर कोई हिंड्रेंस नहीं है देखो पुअर तो कोई भी हो सकता है, है ना डाउन टू ऑडन कोई भी हो सकता है क्या वो इकोनॉमिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या एजुकेशनल प्रॉब्लम है या सोशल प्रॉब्लम ही है कि वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे तो थ्री मेजर स्टेप्स नेसेसरी क्या हैं इसमें सबसे बड़ा रीज़न तो एजुकेशन है कि एजुकेशन अगर एक पुअर को नहीं मिलती तो वो सोशली एम्पावर नहीं हो पाता वो पार्टिसिपेट इफेक्टिवली कर ही नहीं पाता है ना फिर सेकंड जो मेजर स्टेप्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है हाउसिंग हाउसिंग सैनिटेशन एंड वाटर कि अगर उसको यह फैसिलिटीज नहीं है तो उसको स्लम में रहना पड़ता है तो वो सोशली एम्पावर नहीं हो पाता बिकॉज ही इज लिविंग इन स्लम्स एजुकेशन नहीं मिल पा रही उसको सोशली नहीं है फिर थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट कि उसको प्रॉपर अगर एम्प्लॉयमेंट दोगे उसकी इनकम का सोर्स बनेगा तो डेफिनेटली वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने लिए ले पाएगा और एजुकेशन भी ले पाएगा तो ये बाकी आपकी मर्जी है इसमें तीन मेजर स्टेप्स डिफरेंट भी कर सकते हो और कैसे पॉलिटिक्स इसको हिंडर कर रही है कैसे प्रॉपर ये जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं इस परपज के लिए कैसे वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे है ना कैसे इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे ठीक है जी तो सिंपल नरेट द गोल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम आउटलाइन द आउटकम्स ऑफ एफर्ट्स ऑफ क्वेश्चन स्टेट वे क्वेश्चन दो हजार पंद्रह क्वेश्चन है ये अब तो शायद ना आए लेकिन फिर भी इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है फैक्चुअल क्वेश्चन है ये एनआरएचएम के क्या गोल्स हैं स्ट्रैटेजीज हैं फिक्स फिक्सड हैं नरेट करना है उसको और हमने बताना कि उसमें अचीवमेंट क्या है हर uh, मोटी से एक असेसमेंट दे देनी दे है अचीवमेंट की कि ये अचीवमेंट है इसका आई डोंट थिंक इस अगेन को नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी विद रेफरेंस टू यूनिटी एंड प्लोरलिज्म अब डिस्कस करना है हमारे को कि इंडिया में डाइवर्सिटी है है ना एक डाइवर्सिटी को डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू यूनिटी कि कैसे डिस्पाइट डाइवर्सिटी वी आर यूनाइटेड ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हर कोई बच्चा कवर करता है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर और सेकेंडली आपको डिस्कस करना है विद रेफरेंस टू प्लोरलिजम कि जो डाइवर्सिटीज एक तो डाइवर्सिटीज से यूनिटी भी हो रही है और डाइवर्सिटीज प्रोटेक्ट भी हो रही है प्लोलिज्म का मतलब है कि डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं और यूनिटी का मतलब है कि डिस्पाइट डाइवर्सिटीज सम कॉमनलिटीज़ भी हैं तो आप कहोगे कि कॉमनैलिटीज़ क्या है इन डाइवर्सिटीज़ के अंदर और ये डाइवर्सिटीज डिफरेंट कैसे हैं है ना कैसे को एग्जिट कर रही हैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना मतलब ये यू लेवल का क्वेश्चन मैं मानूंगा बट अगेन बच्चे की समझ की बात है कि कोई बच्चे समझ पाएंगे इसको नहीं समझ पाएंगे है ना समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि डिस्पाइट डाइवर्सिटीज़ कैसे यूनाइटेड हैं कैसे डाइवर्सिटी से कैसे डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही तो इससे सिंपल है ऑल्दो इट्स ए सिंपल क्वेश्चन बट बस थोड़ा समझने की बात है है ना अब लिंग्विस्टिक है। अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ हैं अब डिस्पाइट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज स्टिल अक्रॉस नॉर्थ एंड साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट हिंदी इज अंडरस्टूड मे नॉट बी स्पोकन बट अंडरस्टूड देन इंग्लिश इज अ बाउंडिंग थिंग कि डिस्पाइड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज है एट द सेम टाइम प्लोरलिजम भी है कि हर स्टेट अपनी लैंग्वेज को कुछ तवज्जो दे रहा है उसको कुछ आ, आ, उसको एग्जिस्टेंस के उसको साधन बना रहा है देखो सिविल सर्विसेज में देख लो पंजाब में इट इज़ पंजाबी इन महाराष्ट्र मराठी का पेपर होता है तमिलनाडु में तमिल का पेपर होता है तो वो एक तरह से एक प्लुरलिज्म का एग्जाम्पल है कि लिंग्विस्टिक डायवर्सिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है लेकिन एट द सेम टाइम आप देखो एक इंग्लिश का पेपर भी होता है हर स्टेट में तो वो एक यूनिटी का प्रतीक है एक तरह से और साथ में हिंदी जो लैंग्वेज है वो मोस्टली समझी जा रही है सब जगह एज ए थर्ड लैंग्वेज है ना तो एक तरह से इस तरह से ये यूनिटी एंड प्लुरिज्म का एग्जाम्पल है इन दी कंटेक्सट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ वेरी गुड द नेक्स्ट इज वाई इज द कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट फैमिली डिसअपेयरिंग वट इज़ द रोल ऑफ अर्गनाइजेशन टू वर्ड्स इट्स अगेन अ डैम सिंपल क्वेश्चन बट लेकिन पढ़ा होना चाहिए है ना अब ये क्वेश्चन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पर हम करते हैं जब हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया करते हैं ब्रीफ में सिंपल क्वेश्चन है कि क्यों ज्वाइंट फैमिली डिसअपियर हो रही हैं आप कहोगे रेजिडेंशियली डिसअपेयर हो रही हैं इंडिया में कि रेजिडेंस के तौर पर लोग अब छोटे घरों में रहने लगे हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अब एट द सेम टाइम जो ज्वाइंट फैमिली टाइज़ हैं है ना वो हम स्टिल अभी रिटेन कर रहे हैं जो सगे संबंधियों के आपस में टाइज़ हैं जॉइंट फैमिली टाइज अभी भी हैं लेकिन एज अ रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट ये डिसअपेयर हो रहा है और अर्बनाइजेशन से क्यों हो रहा है अर ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि अर्बनाइजेशन से ये जॉइंट फैमिली क्यों डिसअपेयर हो रही है आप कह सकते हो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अर्बन एरिया में ज़्यादा है फिर हाउसिंग की प्रॉब्लम है फिर आ, अपना है न ये इसको एक्सप्लेन करना है आपने कि कैसे ये इन दोनों फैक्टर्स की वजह से अर्बनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है कि सारे एज अ जॉइंट फैमिली अर्बन एरिया में एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है है ना देन अगेन एजुकेशन पे क्वेश्चन है डिस्कस द रिफॉर्म नेसेसरी इन एजुकेशन सिस्टम टू मेक इट मोर जॉब ओरिएंटेड अगेन कैसे हम अपनी एजुकेशन को ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड बनाएं इसमें वोकेशनलाइजेशन जो वेकेशनल इसके ऊपर क्वेश्चन है कि प्लस वन प्लस टू लेवल पे थेटिकल सब्जेक्ट्स के जगह हम वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी डालें जैसे आजकल डालने लगे हैं डेयरी फार्मिंग का बहुत सारे सोलर नॉन एनर्जी सोर्सेज प्लस वन प्लस टू लेवल पे यू कैन ऑप्ट फॉर वोकेशनल सोर्सेज आल्सो है ना और फिर ग्रेजुएशन लेवल पर भी कैसे इसको एम्प्लॉयमेंट ओरिएटेड बनाया जाए इंडस्ट्री के साथ इंटरफेस होना चाहिए इं, इंटर्नस इंडस्ट्री में हों लोग अपने जाएँ वहाँ ट्रेनिंग परपजेज पर के लिए ट्रेनिंग्स पर स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए है ना प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए इससे जॉब ओरिएंटेड ज़्यादा बनेगा अगेन जनरल क्वेश्चन है बस अगेन किसी को ज़्यादा वैल्यूडेशन करनी है अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो कोई कमेटी की रिकमेंडेशन ये इस कमेटी ने ये सजेस्ट किया इसके लिए थोड़ा बहुत वो एंगल आ जाते हैं है ना तो यही है ना कम टू थाउजेंड में देखिए क्या है एग्जामिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पीपल बिलोंगिंग टू पुअर एंड मार्जनाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन का पुअर एंड मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट है है ना पहले तो यहाँ बताओगे कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन है ना ग्लोबलाइजेशन बताओगे कि कैसे डिसमेंटलिंग ऑफ बैरियर्स है एंड एक्सपोजिंग द पॉपुलेशन टू वर्ल्ड तो इसमें मीडिया कम्युनिकेशन इंटरनेट माइग्रेशन है ना तो ये सारी चीज़ें जो है आप बताओगे और इसका इफेक्ट पोर एंड मार्जिनाइज पे क्या है पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि ठीक है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया है है ना अपॉर्चुनिटीज uh, आई हैं है ना नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहा है कि भाई एस्पिरीशंस बढ़ गई हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही जिसे कंफ्लिक्ट बढ़ रहे हैं डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रही है है ना लाइफ बदलने से हेल्थ इशूज आ रहे हैं कि अब ग्लोबलाइजेशन होने से अब एक पुअर एंड मार्जनाइज्ड भी इज हैविंग एक्सेस टू एवरीथिंग की पिज्ज़ा भी खा रहा है बर्गर भी खा रहा है सब कुछ खा रहा है तो उससे हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हाइट करके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट आप कर सकते हो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन वट डू यू मीन बाई ह्यूमन वैल्यूज स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड एजुकेशन इन इनकल्केटिंग वैल्यूज़ इन सोसाइटी अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये right है ना ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं वैल्यूज इज़ अ आइडिया विच हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग है ना क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है वो वैल्यूज़ हमें बताती हैं है ना तो कई बार ये ठीक और गलत के बीच में डिस्टिकशन हमें लॉ बताता है कई बार हमें कल्चर बताता है कई बार हम लॉ को रेफ़र करते हैं कि इन द कंटेक्सट ऑफ मॉडर्न लॉ ये ठीक है ये गलत है या कल्चर के कंटेक्स में बताते हैं कि नहीं हमारे समाज के अंदर ये करना ठीक है या गलत है तो ऐसी वैल्यूज़ हमारी सोसाइटी में हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और कैसे फैमिली फैमिली जो कल्चरल वैल्यूज़ ज़्यादा प्रपोगेट करती है कि कैसे आ, पेरेंट्स के साथ रिस्पेक्ट करना है बहन भाई के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है ये वैल्यूज़ हैं कई जो फैमिली हमें सिखाती है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमें मॉडर्न वैल्यूज ज़्यादा सिखाते हैं है ना तो वो हमें बताते हैं क्या समाज में क्या करना ठीक है एजुकेशनल वैल्यूज़ है ना लीगल वैल्यूज़ वो ज़्यादा वहाँ से आते हैं तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है नो नॉट टू बी वट इज़ माल न्यूट्रिशन इन वट वे पॉवर्टी लीड्स टू माल न्यूट्रिशन अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना माल न्यूट्रिशन क्या है क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव आस्पेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन है ना एंड माल न्यूट्रिशन इज डेफिशंसी इन द क्वान्टिटी एज वेल एज क्वालिटी क्वान्टिटी कई बार ठीक होती है लेकिन क्वालिटी ठीक नहीं होती कई बार क्वान्टिटी ही नहीं है क्वालिटी भी नहीं है तो माल न्यूट्रिशन और कैसे पॉवर्टी से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट माल न्यूट्रिशन का आता है वेरी सिंपल है ना क्वांटिटेटिव एब्सोल्यूट हो जाएगा कि भाई बच्चे लोगों को फूड ग्रिनी अवेलेबल नहीं है वो अपनी पूरी भूख शांति नहीं कर पाते मतलब अगर दो टफ दो वक्त का खाना खाना है वो भी नहीं नसीब हो रहा या पूरी क्वांटिटी नहीं हो रही भूख इतनी है लेकिन मिल नहीं रहा ठीक उसके बाद सेकेंडली पावर्टी से क्वालिटी क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो पाती कि जो प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए होता है फूड uh, में वो नहीं मिल पाता सिर्फ चावल लिए नमक डाला खा लिया रोटी सूखी खा ली रोटी तो अब खा ली पेट भर गया लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है उसके अंदर बिकॉज बैलेंस नहीं है नेक्स्ट इज डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेक्स टू पावर्टी एंड डेवलपमेंट अगेन सिंपल क्वेश्चन कि वुमेन का रोल और जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है उनका रोल क्या है इन द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट आई थिंक नो नीड टू डिस्कस दिस थिंग जनरल क्वेश्चन है है ना एक्टिविटीज़ ऑफ़ एन कम्युनिटी ग्रुप्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये बेसिकली सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स के कंटेक्स में ज़्यादा क्वेश्चन है ये बिकॉज सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स वुमेन के केस में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है कई केसेस में है ना तो कैसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और उससे पॉवर्टी दूर होती है और उससे जो क्वालिटिव एस्पेक्ट है लाइफ का वो इम्प्रूव होता है लोगों को इनकम मिलती है और वो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाती हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आया हुआ है सेक्लरिज्म पे वेदर सेकुलरिज्म इज अ मिथ और रियलिटी इन इंडियन सोसाइटी क्रिटिकली एग्जामिन अगेन अ सिंपल क्वेश्चन कि सेकुलरिज्म मिथ है यस yes. क्योंकि अभी भी रिलीजियस है अभी भी हम कास्ट रिलीजन है ना अभी भी हम ऐसी ऐसी चीज़ों में बिलीव करते हैं जो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट हैं और रियलिटी भी है सेकुलर हो भी गए हैं अभी हैविंग एक्सेस टू मॉडर्न एजुकेशन है ना नए नए हमने एम्प्लॉयमेंट ले लिए हैं रिलीजन न्यूट्रल इम्प्ला एम्प्लॉयमेंट्स हैं रिलीजियस रिलीजन न्यूट्रल एजुकेशन है लाइफ स्टाइल है, है हमारी अब वो सेकुलराइज हो गई है लेकिन एट द सेम टाइम फिर भी हम रिलीजियस हैं और कहाँ कहाँ अभी भी कास्ट बेस्ड कंसिडरेशन्स अभी भी हैं है ना अभी भी हम इंटर रिलीजियस मैरिज़ को नहीं प्रमोट करते है ना उसके लिए है वी कैरी सम नोशंस अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स तो ये हमें बताना है कि कैसे ये मिथ है और कैसे ये रियलिटी भी है तो अपने आप ये क्रिटिकल एग्जामिन दोनों जो पक्ष लिखोगे तो हो जाएगा इंडियन सोसाइटी ए सिस्टम ऑफ कोगनेटिव स्ट्रक्चर्स हाउ फार डू यू एग्री विद इट है ना ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत ही टिपिकल सोशोलॉजिकल क्वेश्चन है जो एक आम बच्चा नहीं कर सकता ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है कोगनेटिव स्ट्रक्चर्स क्या है इंडियन सोसाइटी के मैं आगे कराऊंगा अभी नहीं है ना हाउ फार डू यू एग्री विद इट है ना तो इंडिया में क्या है कि पैराडॉक्सेज हैं कि जो हमें दिखता है कोग्नेटिव स्ट्रक्चर्स है कि जो हमें दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स तो हम इंडिया में क्या है कि वट एवर यू सी इज द रियलिटी बट द सेम टाइम दर इज अ लॉजिक बिहाइंड रियलिटी है ना हम कहते हैं सपोज कि चार वर्ण आश्रम धर्म्स हैं ब्रह्मचार्य गृहस्थ आश्रम देन वानप्रस्थ देन संन्यास ठीक है ना अब ये क्या रियलिटी में फॉलो होते हैं तो अल्टीमेटली इंडिया में पैराडॉक्स क्या है कि हमारे जो कोग्नेटिव स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट हैं और हमारे नॉन कोग्नेटिव स्ट्रक्चर्स या आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट हैं थोड़े से तो इस पर इस पर ऊपर क्वेश्चन है ये पैराडॉक्सिस पे क्वेश्चन है तो जनरली जब हम इंडियन सोसाइटी को पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात यही करते हैं पैराडॉक्सिस की कि इंडियन सोसाइटी को समझना मुश्किल क्यों है बिकॉज ये कोग्नेटिविवि स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है इंडिया में तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन अगर ठीक तरह से किसी ने कराया हो तो वो अलग बात है बट अटेम्प्टेबल है क्वेश्चन ऐसी बात नहीं है तो इन नट सेल मैं कहूँगा कि जैसे ये क्वेश्चन जो सोशल इश्यूज़ के हैं जनरली अटेम्प्टेबल आते हैं पेपर में होप यू हैव अंडरस्टूड आप समझ गए हो सारे है ना तो इसको मतलब हमें इग्नोर नहीं कर सकते लेकिन हमें कुछ चीज़ वुमेन का अर्बनाइजेशन की बेसिक रीडिंग बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में ग्लोबलाइजेशन के बारे में ये करके जाना पड़ेगा मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको पढ़ा है क्योंकि जनरली प्री की तैयारी करते हुए भी और मेंस की तैयारी करते हुए भी सोशल इश्यूज इग्नोर हो जाते हैं लेकिन आपको बताऊं पेपर वन में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही क्वेश्चन है बिकॉज ये अटैम्प्टेबल है है ना इनको आप अटैम्प्ट कर सकते हो तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और थोड़ा सा हर सेक्शन का पढ़ के जाना है फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ लेना है वुमेन अर्बनाइजेशन की क्या व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन अर्बनिज्म क्या होता है क्या प्रॉब्लम्स है अर्बन एरियाज़ की क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है इतना इतना ऐसे वुमेन वुमेन की प्रॉब्लम्स क्या हैं वुमेन के क्या इश्यूज हैं इतना कभी जनरली पढ़ लोगे ना कि पावर्टी क्या है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पावर्टी पावर्टी के डायमेंशन क्या हैं तो अल्टीमेटली पेपर में क्वेश्चन ड्रॉ उसी चीज़ से हो रहा है आपको नहीं पता कि एक्जैक्टली exactly क्वेश्चन क्या पूछेंगे बट अगर आपके किसी टॉपिक के अंडरलाइंग फंडामेंटल्स क्लियर हैं है ना अंडरलाइंग फंडामेंटल्स क्लियर हैं देन इट इज़ इजिली टमटेबल देन इट इज़ इजली अटम्पटेबल ठीक है तो ये बेसिकली हमने सारा करना था एक हमने पी सी एस मेन्स पर्पजेज़ के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है तो वो मेन्स की टेस्ट सीरीज़ है वो आप अटम्प्ट uh, कर सकते हो पहला टेस्ट हमने उसमें कॉम्प्लीमेंट्री रखा है आप ट्राई कीजिए उस टेस्ट को कि कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं आपके है ना बाकी आठ दस टेस्ट हैं अगर जैसी डेट आती है तो आप डेफिनेटली आप इस टेस्ट सीरीज को करके प्रैक्टिस कर सकते हो बिकॉज अल्टीमेटली इतने कम टाइम में आपके हाथ में प्रैक्टिस ही है आप मोटा सा पढ़ो और लिखने की प्रैक्टिस करो सो दैट कि पेपर में अटैम्प्ट कर पाओ अगर आप कहोगे कि मैं सब कुछ पढ़ लूंगा बीस दिन में तो वो पॉसिबल नहीं है बात यह है कि आप अपनी लेटरल थिंकिंग कितनी डेवलप करते हो अगर पेपर बीस दिन पच्चीस दिन में हो गए तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ आप अपने दिमाग से लिख पा रहे हो और वो कैसे पता लगेगा बाय गिविंग अ टेस्ट सीरीज़ तो आप टेस्ट फिजिकली भी दे सकते हो चंडीगढ़ आके या हमारे किसी भी सेंटर पे या आप ऑनलाइन भी दे सकते हो ऑनलाइन टेस्ट देके आप अपलोड कर सकते हो चेक होके आपको मिल जाएगा है ना तो ये हमारा रेसिपी है कि आप इस तरह से करें लेकिन ये प्रीवियस ईयर डिस्कशन प्रॉपरली ध्यान से समझें कि पहले क्वेश्चन आ किस तरह से रहे ठीक है बाकी कोई भी आपको स्टेट रिलेटेड डाउट हो पीसीएस सी की माय व्हाट्सएप नंबर इज़ नाइन फाइव ज़ीरो ट्रिपल वन फोर जीरो टू वन आप इस पे मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर फ़ोन मत कीजिए तो मैसेज कीजिए आई विल रिप्लाई कि हाँ आपको कोई भी पी सी रिलेटेड डाउट है कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको चाहिए आपको टेंशन हो रही है नहीं हो रही है यू कैन फ्रीली राइट अ मैसेज टू मी मैसेज में नहीं लिख सकते तो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो और सेंड कर दो मुझे नो प्रॉब्लम ठीक है और प्रिपेयर वेल स्टे मोटिवेटेड वट एवर द वट यू से डेट इज़ डोंट बी डीमोटिवेटेड क्योंकि जैसे पेपर वन टू थ्री फोर आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने का भी बात नहीं है ठीक है मन में टेंशन जरूर होती है कि मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ लेकिन अल्टीमेटली अपना कॉन्फिडेंस मैटर करता है जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपको प्रिपरेशन प्रिपरेशन करने के लिए नहीं करनी है आपको प्रिपरेशन रिजल्ट के लिए करनी है तो जो मुश्किल पेपर होगा सबके लिए मुश्किल होगा आसान होगा सबके लिए आसान होगा यू हैव टू गिव यू बेस्ट एट द टाइम ऑफ इट ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मच विल सी यू अगेन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर जनरल स्टडीज और इन पी सी एस मीनस उसके प्रीवियस ईयर हम डिस्कस करेंगे तीनों तीन साल के थैंक यू वेरी मच